हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लर्निंग टाइम को। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2020 की। उसकी 1231 जॉब है, मजदूर, टीचर और अदर पोस्ट की वैकेंसी निकली है, ठीक है, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इनकी, इसकी डेट है जो एक्सटेंड कर दी गई है, अब जो कि अब कर दी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देखेंगे 2/7/2020 से, ठीक है। पहले थी हमारी 17/4 तक कर दी गई थी, फिर उसको 19/5 तक किया गया, फिर अब 2/7/2020 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। जो कि अब इसके जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी वालों के लिए 220 का फॉर्म है, ठीक है, और ST ST और 370 रुपए, और आपको इसको फी को जमा कर सकते हैं ऑनलाइन और चालान के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल इसके नोटिफिकेशन पे ले आ रहा हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखेंगे, यहाँ पे आपकी पोस्ट दिखाई दे रही है कंजर्वेशन मजदूर की, 858 वैकेंसी है, 354 अनरिजर्व कैटेगरी की है, ठीक है। UR इसकी स्पोर्ट्स कैड पर्सन के लिए 24 दे रखी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 62, अनरिजर्व कैटेगरी PW के लिए 37 और SC के लिए 160 और SC के लिए एक्सिक सर्विस 25, ST के लिए 38, इस तरीके से वेरियस पोस्ट निकाल रखी है वेरियस कैटेगरी की 22, ठीक है। तो यहाँ पे पे स्केल दे रखा है, पे लेवल 1 होगा, अपे मैट्रिक्स ऑफ 2019 के हिसाब से। आपकी जो एज लिमिट दे रही है 18 से 40 साल दे रखी है, ठीक है, जो कि आपकी लागू होती है 1/1/2020 पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें बात की जाए तुम्हारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, आपको अपनी रीड करना आनी चाहिए इंग्लिश, उड़िया, सॉरी बंगाली और वर्नाकुलर की आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो यही आपके इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब फॉरम की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, फॉरम को देख लेते हैं। फॉरम हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा जो मैं आपको दिखा देता हूं। तो फॉरम ये रहेगा हमारा, यहाँ पर आपने ID अगर क्रिएट कर चुके हैं तो इधर लॉग इन करना है। फ्रेंड्स मैं एक बार आपको बताना चाहता, जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो बड़ी केयरफुली फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें नाम, ईमेल आईडी जरा सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सके। तो एक दो बार आपको फॉर्म भरते समय थोड़ा सा डिले हो जाए कोई प्रॉब्लम, पर आप सावधानी पूर्वक भरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन मोड दे रहा है, मोबाइल या ईमेल आईडी, ठीक है। आप इसके बाद दोनों में से कोई भी हो तो उस पर एक पे क्लिक करना है, नाम देना है, ईमेल आईडी देनी है, ठीक है, मोबाइल नंबर देना है, ठीक इस तरीके से देना है, यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये फिल करना है। तो मैं ये फिल करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड मैंने कुछ इस तरीके से अपनी डिटेल भर ली है, यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा। साइन अप पे क्लिक करने का आप देखिए, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएट सक्सेसफुली, तो ओके करना है। जो आपको पासवर्ड उसमें रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, पासवर्ड हमेशा ध्यान से रखिएगा, पासवर्ड जो रहता है हमारा उसको आपको अल्फा न्यूमेरिक रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से हमें इस पे लिंक पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइज नंबर 11/2020 पोस्ट ऑफ कंजर्वेशन मजदूर अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आप क्लिक करने का इस तरीके से आपका कुछ लुक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे आप इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन देख रहे, हाउ टू अप्लाई का इसमें आ रहा है, FAQ देख सकते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप्रिंट ऑफ सबमिशन की आप देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, अब 30 जून 2020 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आप लास्ट डेट जो हमारी हुई 30 जून हुई, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मैं हाउ टू अप्लाई और इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। ये हमारी PDF आ रही है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन मजदूर की जो 858 वैकेंसी है, यू मैं आपको बता चुका था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये वही है, इसके बाद हम जाते हैं हाउ टू अप्लाई में, इसके हाउ टू अप्लाई वाले में मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें फ्रेंड्स पूरी डिटेल आ रही है, आप देख सकते हैं मैं इसको, आप किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस आ रही है, ठीक है, आपको लॉग इन करना है, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको डिटेल देनी है। तो मैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कोई भी नाम लिखा, इस तरीके से आपके पोस्ट आएगा अप्लाई, जब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे लॉगिन करने का आपके पास तरीके से कुछ आएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद तो आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा,
ठीक है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहां से आपको वो करना, सेलेक्ट करना है। एडवर्टाइज नंबर आपको बताना है कौन सा एडवर्टाइज नंबर है, ठीक है, उसको मैंने बताया था 11 नंबर है, तो उसको आपको वहां पे बताना है। वेस्ट बंगाल कौन सी स्टेट की रेजिडेंस है वो बताना है आपको, ठीक है। जेंडर बताना है, मेल, आप शादी हुई या नहीं है वो बताना है। अपना नाम देना है, मिडिल नेम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम है, लास्ट नेम देना है, इस तरीके से आपको नाम देना है। आपकी माता जी का नाम बताना है, फादर का नाम बताना है। इस तरीके से आपको करने के पश्चात आपको फ्रेंड्स फिर यहाँ पे आप दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको बेंगल ओनली चूज यू आर इफ अदरवाइज, अगर आप बेंगाली हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आपको यू आर कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पर्सन और डिसेबिलिटी आपको बताना है, एक सर्विस मैन बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, एज और एज बतानी है, इस तरीके से आपको देखना है। एप्लीकेशन आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर बताना है, ठीक है, इस तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ पे एज आपको बतानी है, ठीक। इस तरीके से करने के पश्चात आपको फिर फ्रेंड देखेंगे, आपको यहाँ पर जो भी आ रहा है आपका नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आप देखेंगे बंगाल ओनली चूज, ये तो बता चुका हूँ आपको, इस तरीके से आपकी डिटेल भरने को आएगी। फिर इसके बाद आपको ये पूछा जाएगा आप डिसेबिलिटी है या नहीं, तो डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, जिस टाइप की डिसेबिलिटी है उसको बताना है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं आपकी एज है, वहां पे आपको एज बतानी है, ठीक है। इसको फिर आपका ये मोबाइल नंबर है वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एजुकेशन यहाँ पर आपको डिक्लेयर करनी है, आपने जो एजुकेशन आप बताना है आपकी, क्या आपने एग्जामिनेशन कहाँ से दिया है उसको बताना, आपकी ईयर ऑफ पासिंग बतानी है, ठीक, जो भी आपने हाई स्कूल इंटर जो भी किया है, ठीक है, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको बताना है, ठीक। इस तरीके से आपको, अगर आप स्पोर्ट्स कोटे में तो वो भी आपको यहाँ पे बता सकते हैं, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देनी, इस तरीके से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको देखेंगे फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा, अगर स्पोर्ट्स कोटे में आ रहा है इस तरीके से कुछ डिटेल आएंगी, ठीक है, तो ये बताना है आपको। ये बताने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस आपको बताना है, स्टेट बताना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को बताना है, पुलिस स्टेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब पोस्ट ऑफिस का बताना है, पिन कोड बताना है, तो सेम है तो उसी को क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके आपको डिजायर आपको इनपुट यहाँ पर देना पड़ेगा, अगर आप यही चीज को चाहते हैं यस या नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपलोड फोटो और सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ पे फोटो का साइज मैं बता देता हूँ कितना दे रखा है, फोटो का 10 KB से लेकर 50 KB तक दे रखा है फ्रेंड, और 5 KB से लेकर 20 KB तक आपको सिग्नेचर का साइज अपलोड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपलोड करने का आपको इस तरीके से कुछ डिटेल आ रही होंगी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसकी आपको एक बार फॉर्म भरने से पहले इसका देख भी लें आपको ये किस तरीके से फॉर्म भरना है, एक बार मैं आपको ओरिजिनल फॉर्म पर देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म है कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आपको देखिए मेरा 11 नंबर अपने आप सेलेक्ट हो गया है ना। तो ये मेल और फीमेल यहाँ पे आपको बताना है, आपको मेट्रिक जो मैरिड स्टेटस बताना है, यहाँ पे आपको नाम बताना है, आपको मदर का नाम, फादर का नाम, हस्बैंड जो भी है इधर डिटेल देनी है, सिलेक्ट कैटेगरी करनी है इसके बाद, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना आप डिसेबल है या नहीं है, ईयर बताना है, आपका क्या कहते हैं लेंथ ऑफ सर्विस क्या रहा था उसके, अगर सर्विस में तो वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एज ऑन बताना है, आपकी उम्र क्या यानी डेट ऑफ बर्थ बतानी है यहाँ पर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद यहाँ पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको खुद बतानी है, अगर आपने हाई स्कूल इंटर जो भी किया हुआ या हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पे आपको खुद डिक्लेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी में है तो वो भी यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गेम के नाम आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आपकी आ रही होगी, इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो मैंने आपको बताया, इसके बाद आपको देखिए कम्युनिकेशन आपका एड्रेस जो आएगा उधर की डिटेल आएगी, इसके बाद अपलोड फोटो आएगा, इसके आप प्रीव्यू देख सकते हैं, तो इसके आप पेमेंट की डिटेल आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं।